हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, फाइनली बहुत टाइम के बाद आज हम कर रहे हैं क्यू एंड ए वीडियो विद फैमिली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर आपको अपना क्वेश्चन देना है तो। इंस्टाग्राम पे मैं पोल डाल देता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आदित्य की तरफ से कि स्पोर्ट्स कार कब ले रहे हो। तो गाइस, जल्दी कुछ दिनों में हमारी स्पोर्ट्स कार आने वाली है, वो आपको चल जाएगा पता कौन सी स्पोर्ट्स कार है, तो जल्दी वेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्तामस की तरफ से, आप ओरियो को सेल करोगे क्या। गाइस, वो तो हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो हम ओरियो को सेल क्यों करेंगे। कोई गाड़ी थोड़ी ना है, कोई बाइक थोड़ी ना है, कोई व्हीकल थोड़ी ना है जो उसको हम सेल कर देंगे, हमारा मन भर जाएगा चलाने से। वो तो हमारा फैमिली मेंबर है ना, तो साथ में रहेगा, अभी भी यहीं कहीं घूम रहा होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष के लिए, भाई पीयूष की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। बता दे यार पीयूष, चल आज बता ही दे, माफ कर दो पीयूष, आज बता ही दे यार, छोड़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंह विद सौरभ की तरफ से, बिग बॉस में कब जाओगे। तो गाइज, होपफुली हम नेक्स्ट टाइम बिग बॉस में जाएंगे, अगर इनवाइट आएगा तो हमारे पास पक्का। बस सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही जरूर जाएंगे बिग बॉस में नेक्स्ट टाइम। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बहुत लोगों ने पूछा है कि मतलब आपकी शादी कब होगी, और हमेशा पूछते हैं कि शादी कब होगी। पता नहीं लोगों को मेरी शादी करवाने की इतनी क्यों पड़ी है। तो मम्मी बताएगी, मम्मी कब शादी होगी बताओ। बड़ी मम्मी को भी हो रही शादी कराने की, एक दो साल बाद। एक दो साल बाद, मैं तो 5 साल सोच रहा था। फूल नाचेंगे भाई, मस्त। चलो बड़ी भी एक दो साल का वेट है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशित की तरफ से, आपकी सबसे गंदी आदत क्या है। तो मेरी गंदी आदत तो ये सब बताएंगे ना। चलो बताओ मेरी गंदी आदत क्या है। ये बाल रखता है तो मेरे को अच्छे लगते हैं। ये बाल गंदी आदत है यार, बाल तो सभी रखते हैं, बाल में क्या है। जोर से बोलना है? जोर से बोलना। हाँ, जोर से कहाँ बोलता हूँ यार, कभी जोर से दोनों बाबू हमको नहीं मिलवाना। क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यांश की तरफ से, आप मीटअप क्यों नहीं करते लव फ्रॉम रुड़की यूके। तो मैं मीटअप इसलिए नहीं करता बिकॉज अगर मैं बुलाऊंगा ना, 10,000 लोग भी इकट्ठे हो गए ना, हम संभलेंगे नहीं भाई, सीधी सी बात है। मीटअप करने को तो कर सकते हैं लेकिन संभलेंगे नहीं। तो मैं जब भी मीटअप करूँगा ना, प्रॉपर वे से करूँगा भाई, संभल जाएँ अगर लोग ज़्यादा आ भी जाएँ, क्योंकि मेरे को ओनली बच्चे नहीं देखते, पूरी फैमिली देखती है, बच्चों के साथ में पूरी फैमिली देखती है। तो उनका अरेंजमेंट, मिलने का, खाने पीने का, अच्छे जब अरेंजमेंट होगा ना तभी मैं मीटअप करूँगा अच्छे से, एक एक से फोटो खिंचवाना। तो इसीलिए मैं मीटअप नहीं करता बिकॉज मुझे डर लगता है, मुझे पता है कि भाई भीड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा बिना मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट अच्छा और अच्छे से मीटअप होगा ना, तब मीटअप करूँगा मैं। जब भी करेंगे अच्छे से करेंगे, मैनेजमेंट के साथ में करेंगे, ताकि प्रॉपरली सबसे मिल सकूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष की तरफ से, भाई आप ओरियो क्यों नहीं दिखा रहे हो। भाई जितना हो सकता है मैं ओरियो को दिखाता हूँ, मैं जबरदस्ती कैमरा नहीं लगाता उसके मुँह है कहाँ, वो भी अभी भी देखो अभी भी अलग बैठा हुआ है, तो हम जबरदस्ती को अपने साथ में नहीं बिठा रहे। ये देखो पीछे ओरियो, इधर जल्दी इधर। तो बस यही रीज़न है ओरियो को ज़्यादा दिखाते हैं, ओरियो को हम फ्रीली घूमने देते हैं, जहाँ उसका मन करे रहने देते हैं। थोड़ा बहुत जो होता है मैं आपको दिखाता हूँ ओरियो के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल की तरफ से, मम्मी को रेड कलर अच्छा क्यों लगता है, प्लीज़ रिप्लाई बताओ मम्मी। बेटा मेरे को अच्छा लगता है, शुरू से ही मैंने रेड ही डाला है, मेरे को रेड ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख की तरफ से, व्हाई योर फैमिली इज़ वेरी कंजूस। कंजूस क्यों मम्मी बताओ, सभी आप सभी कहाँ हैं। हम कंजूस बहुत कुछ देखा है स्टार्टिंग से, जब पैसे नहीं थे, जब बाबा जी मजदूरी करते थे ना, अब है लेकिन तो मम्मी लोगों के माइंड में वही रहता है यार, पैसे नहीं थे तब भी हम वैसे करते थे, और मम्मी लोग अभी भी वैसे ही खर्चते हैं। जो जरूरत होता है, अच्छा खाना, अच्छा रहना, घर बना रहे हैं या फिर जो भी चीजें हैं, वो फैमिली के लिए सब ले लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं इसलिए हम पैसे बचाते हैं उसको आप कंजूसी बोलो कुछ भी बोलो, अगर फैमिली के फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं अच्छे से तो वो कंजूसी अच्छी है, वो आपको भी करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट सबको करनी चाहिए, पैसे फूकने से ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधारी की तरफ से, आपके घर में सबसे सुंदर कौन है। सबसे सुंदर ऑफिशियल लोहार की तरफ से, पीयूष बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या बनेगा बड़ा होकर देखते हैं, बड़े होकर अभी तो वैसे बहुत सारे ऑफर्स आएंगे उनके हिसाब से चलेंगे बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुनाली के लिए, फॉर कुनाली, कुनाली फ्यूचर में क्या करेगा, जॉब या बिजनेस या यूट्यूब, क्या करोगे। यूट्यूब में क्या करोगे है? यूट्यूब में क्या आपकी तरफ ब्लॉग बनाऊंगा। ब्लॉग बनाओगे, तो गाइस कुनाली को तो ब्लॉग बनाने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसी की तरफ से कि आप इतना शो ऑफ क्यों करते हो। गाइस क्या शो ऑफ करते हैं यार, हम जो भी हमारी जरूरत की जो होती है फैमिली के लिए, हमारे लिए, वो सब हम करते हैं, वो सब हम घूमते हैं फिरते हैं और बस
लाइफ को जैसे जीना चाहिए हम वैसे जीते हैं। अगर फैमिली को अच्छे से रखना, फैमिली को घुमाना, अच्छे से घूमना और अच्छे से जीना शो ऑफ है तो हाँ ये शो ऑफ अच्छा है। आपको भी करना चाहिए, सबके साथ हर किसी को करना चाहिए। हम जो भी अर्न करते हैं हम एक दूसरे के लिए करते हैं, सब फैमिली को अच्छे से साथ में रखने के लिए करते हैं, तो हाँ हम रखते भी हैं। तो बस वही है हमारा, तो अगर आपको शो ऑफ लग रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियांश की तरफ से, आदमी की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है, तो आपकी सक्सेस के पीछे किस आदमी का हाथ है? तो गाइज मेरी सक्सेस के पीछे पहले तो आप लोगों का हाथ है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है तभी हम यहाँ पहुँचे हैं, और फैमिली और माता रानी, राधा रानी। राधा रानी के बिना कुछ भी नहीं है। कितनी सारी फैमिलीज हैं, कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे के भाई हैं, मतलब पूरे इंडिया में कितने, मतलब करोड़ों व्लॉगर्स बन चुके हैं और उनकी फैमिली हमारी तरह व्लॉग करते हैं, हमारे से अच्छे भी व्लॉग करते हैं और हमारे से भी बहुत डिजर्विंग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट वो ग्रो नहीं कर पाते, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो भगवान की कृपा है और आप लोगों की सपोर्ट है। तो बस यही है, मतलब इतना कुछ है नहीं, बस भगवान की कृपा है मेन, तो बस यही है सक्सेस का राज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलव्या का, आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट बता दो क्या है? मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था जब मैं पूरी फैमिली को हल्द्वानी लेके आया, बिकॉज बेसिकली हम उत्तराखंड से गए ना, हमको मजबूरी से हरियाणा में रहना पड़ रहा था, पापा जी मजदूरी करते थे, तो फाइनली यूट्यूब की वजह से हम अपने होम टाउन, अपने जहाँ पे हमारी जो मेरी जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, वहाँ पे हम वापस आ पाए। बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का वही था, फैमिली जब यहाँ पे आई, हल्द्वानी आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशल की तरफ से, भाई आप जब उठते हो तो सबसे पहले क्या याद आता है आपको, कैसी फीलिंग आती है? गाई जब भी मैं पहले सो के उठता हूँ ना, तो मैं भगवान को याद करता हूँ, राधा रानी को, कि थैंक यू सो मच इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए और हमारा दिन अच्छा जाए, सभी खुश रहें, फैमिली वाले हमारे, यूट्यूब की फैमिली और जितने भी लोग जिनसे मैं मिलूं सभी खुश रहें, कोई मुझसे डिसअपॉइंट ना हो, किसी से मेरा दिल ना दुखे, बस यही मेरी रहती है उठते ही, बस विश बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभय की तरफ से, मोस्ट फनी पीपल इन योर फैमिली। तो मोस्ट फनी पीपल हैं चाचा जी, आजकल चाचा जी भाई इतना, चाचा जी इतने फनी हो रखे हैं ना, मतलब कैमरे पे नहीं, ऑफ कैमरा भी जब हम बैठते हैं ना भाई, चाचा जी इतना हंसाते हैं। तो मोस्ट फनी हमारे चाचा जी हैं आजकल, कुछ भी दैट्स ऑल, सच्ची गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पजवाल की तरफ से, आपकी मम्मी जी आपको डांटती क्यों रहती है, आपके पापा को भी नहीं छोड़ती, क्यों डांटते हो मम्मी बताओ? तो बड़ी मम्मी जो बोलती है ना वही होता है, तो अगर हम, मैं कुछ गलत करूँ, साहिल, पीयूष, चाचा, पापा, चाची, कोई भी कुछ गलत करे तो बड़ी मम्मी टोक देती है, तो बड़ी मम्मी की चलती है और बड़ी मम्मी की सब रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुणा वंदनी की तरफ से, पीयूष के अकाउंट की इनकम उसके अकाउंट में जाती है क्या? गाइस पीयूष अभी छोटा है तो उसका कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट तो, के लिए 18 प्लस होना चाहिए पहले। हाँ, तो पीयूष की जो इनकम है वो जाती है चाचा के अकाउंट में, साहिल की इनकम जाती है मम्मी के अकाउंट में और मेरी इनकम जाती है बड़े पापा के अकाउंट में। तो हमारे अकाउंट में कुछ नहीं जाता, सब कुछ बड़े पापा बड़ों के अकाउंट में, तो हाँ जो भी होता है सब बड़ों के अकाउंट से होता है, बाकी हमारे पास क्रेडिट कार्ड रहता है और UPI वगैरह रहता है तो हम वहाँ से यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर की तरफ से, आपको आपकी ये लाइफ कैसी लगती है? गाइस ये लाइफ मुझे अब सबसे बेस्ट लगती है, बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ में हूँ, सभी खुश हैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो मेरा सर्कल है, जो मेरे आसपास के लोग हैं, वो भी आए फिर आसपास, सभी खुश हैं, सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, तो इससे बढ़िया लाइफ और क्या ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सुबोध चंद्रा की तरफ से, फ्यूचर में दिल्ली में रहना है या हल्द्वानी में ही? गाइस हल्द्वानी में हमारा घर बन रहा है तो हम हल्द्वानी में ही रहेंगे, बट मेरा काम होगा तो मैं दिल्ली भी रह सकता हूँ, घर हमारा यहीं है, होम टाउन यहीं है, तो मैं यहीं रहूँगा फैमिली के साथ में, बट काम होगा तो मैं जाते रहूँगा दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलोर वाली लड़की की तरफ से, योर फैमिली स्टे विद ईच अदर एट दिस डे एंड एज, गिव द सीक्रेट बिहाइंड दिस हैप्पी फैमिली। तो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली साथ में कैसे रहती है भाई, और इस तरह से हैप्पी किस तरह से रहती है? तो हमारी फैमिली साथ में और खुश इसलिए रहती है बिकॉज किसी को कोई लालच नहीं है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सबको साथ में रहना है, साथ में खेलना है, साथ में खाना है, साथ में रहना है, साथ में मस्ती करनी है, साथ में घूमने आना है और साथ में रहना है, किसी का कोई लालच नहीं है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये, इसलिए सभी साथ में रहते हैं, सभी सेम है, सबकी सोच सेम है, इसलिए साथ में रह पाते हैं स्टार्टिंग से, और हम स्टार्टिंग से ही सिंपल साथ में रहे हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब पापा और चाचा जी काम करते थे और हम स्कूल जाते थे, तो वो वाले दिन याद आते हैं ना, तो वो दिन ही याद आते हैं, हम उनको याद करते बैठ के, इसलिए हम वैसे के वैसे हैं, इसलिए हम साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट की तरफ से, आपने कभी कुनाली को मारा है? कुनाली बताओ, मैंने आपको मारा है कभी? नहीं मारा ना, और किसी ने मारा आपको? हाँ, पीयूष मारता है। गाइस मैं नहीं मारता, मैं तो उसको प्यार से रखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है उजैर की तरफ से, सौरभ भाई आपकी शादी हो जानी चाहिए बिकॉज अब मम्मी और चाची को रेस्ट करना चाहिए, तो बताओ क्या कहना चाहोगे? सही बात है, शादी हो गई जो वो जो काम ही करेगी, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ गाइस बात तो सही है,
शादी के बाद जरूर थोड़ी ना कि बहू काम ही करेगी, कुछ जॉब करे, कुछ भी कर सकती है। तो शादी से काम का कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो मम्मी को बोल रखा है अगर मेड चाहिए तो मैं रख दूंगा, बट मम्मी और चाची को पसंद नहीं है, उनको खुद को काम करना पसंद है, तो खुद ही करते हैं, देखते हैं कब तक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भावेश की तरफ से, आपकी फैमिली में कभी सीरियस टॉपिक पर लड़ाई झगड़ा हुआ है? गाइज डेली होता है लड़ाई झगड़ा सीरियस टॉपिक पर, बातें बच्चों के लिए, चीज़ों को लेके, मैं कभी बाहर जाता हूँ कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस तरह से तो वो डेली होता है झगड़ा लड़ाई जो भी होते हैं हर किसी की फैमिली में होती है, बट वो शॉर्ट हो जाता है, एक ही दिन में शॉर्ट हो जाता है। तो हाँ वो नॉर्मल चीज़ है, सबके घर में होता है। सीरियस चीज़ें मैं शूट नहीं करता, ये चीज़ है, सीरियस चीज़ें शूट नहीं करता, जो मजाक मजाक में मुझे लगता है वही शूट करता हूँ, अदरवाइज फिर कैमरा उठाऊँ कैमरा फोड़ देगी मम्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम की तरफ से, फैमिली के साथ दुबई कब जा रहे हो? तो गाइस जल्दी पूरी फैमिली हम दुबई जाने वाले हैं, बस पासपोर्ट आ जाए, और अभी ना गर्मी है तो गर्मी में पूरी फैमिली नहीं जा सकते, तो विंटर्स में जाएंगे पूरी फैमिली दुबई। तो हाँ उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा पूरी फैमिली का, रहने का, घूमने का, ट्रैवलिंग सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल की तरफ से, भाई आप न्यू घर में सबके लिए अलग अलग रूम बनेगा? गाइज हाँ सबके लिए अलग अलग रूम बनेगा, पीयूष कुनाली मेरा चाचा, इवन ओरियो के लिए भी अलग से रूम बनेगा, सबके लिए अलग रूम बनेगा गाइज हमारे नए घर में, क्योंकि सभी बड़े हो रहे हैं ना, सब बड़े हो रहे हैं, फिर सबकी शादी होगी तो सबके लिए सबके लिए एक ही घर बन रहा है, तो सबके लिए अलग रूम बनेगा सेपरेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशांत की तरफ से, अंकल और आंटी इवनिंग में किस टाइम पूजा करते हैं? तो अभी टाइम देखो 7 बजने वाले हैं, तो 7:30-8 बजे तक करते हैं, अब जल्दी से मैं इसको एंड करके फिर हम जाएंगे, फिर घर जाके पूजा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतिन की तरफ से कि आपके घर में सबसे ज़्यादा धार्मिक कौन है? सबसे ज़्यादा धार्मिक है मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, चाचा चाची, सभी धार्मिक है गाइस, सभी हैं यार, सभी पूजा करते हैं मिलके बैठ के, तो हाँ सभी धार्मिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मम्मी, सबसे ज़्यादा बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिवेश की तरफ से, फैमिली को बांध के कैसे रखते हो एक साथ सौरभ भाई? गाइज मैं कौन होता हूँ फैमिली को बांध के रखने वाला, फैमिली बांध के रखती है मम्मी पापा चाचा चाची, बड़े लोग बांध के रखते हैं, अगर हम बड़ों की सुनेंगे ना तो बड़े लोग बांध के रखते हैं। मैं कौन होता हूँ भाई बांधने वाला? भगवान है बांधने वाला, प्यार है मेन। तो भाई अपने चाचा और पापा को महीने के कितने पैसे देते हो? चाचा जी मैं कितने पैसे देता हूँ आपको? गाइज अकाउंट ही इनका है, जैसे मैंने आपको बताया पापा जी का अकाउंट है मेरे में, चाचा जी का पीयूष के में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं पैसे देता हूँ भाई, मेरे पास नहीं रहते सारा अकाउंट, सब कुछ पापा जी बड़े लोग ही संभालते हैं। चलो भाई ये लास्ट क्वेश्चन था, काफ़ी मज़ा आया आज क्यों में आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करके बहुत टाइम के बाद, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, और नेक्स्ट क्यों करेंगे जल्दी ही, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे पोल डालूंगा, वहाँ पे आपसे लाइव क्वेश्चन लूंगा मैं। तो चलो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी की तरफ से निर्मल की तरफ से सॉरी सॉरी सॉरी